तो स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्त लोग, अभी सुबह का टाइम है, तो अभी मैं बकरी छोड़ने के लिए आया था। तो उसके बाद हम लोग का जो कल गेस्ट आया था, वो गेस्ट आज जाने वाला है। तो जैसे ही गेस्ट जाएगा तो अंदर का हम लोग का काम है। तो अभी 10:30 हो गया, 11 बजने वाला है। तो अभी हम लोगों का गेस्ट चला गया, तो ये एक रूम हो गया। तो अभी मैं आपको दूसरा रूम भी दिखा रहा हूँ। तो दोस्त लोग, पूरा क्लीन करना है, ये रूम को भी हम लोगों को क्लीन करना पड़ेगा, कल क्लीन करेंगे। तो अभी ये रूम भी देखूँ कैसा हुआ है, सुबह से हम लोग ऊपर नहीं आया है। तो ये देखिए दोस्त लोग, पूरा कपड़ा एक जगह जमा कर दिया है, जमा करके रखा है। और दूसरा यहाँ पर डोर भी ओपन रख दिया है, ये बालकनी भी पूरा ओपन करके रखा है। तो अभी इसको बंद करना है, क्योंकि खुला नहीं रखना है दोस्तों। तो अभी इसको बाद में बंद करेंगे और दूसरा रूम देखेंगे एक बार। तो ये देखिए, तो ऐसा होता है, ये तो हर एक होटल में ऐसा ही होता है, सर्विसिंग करने के लिए आता है। जैसे यहाँ पर हम लोग हैं, और जितना भी यहाँ कुछ भी करना है हम ही लोग करते हैं। तो अभी जितना भी है कपड़ा है, अभी ये सबको उठा के ले जाके वॉशिंग मशीन में डाल देंगे। तो वॉशिंग मशीन में डालने के बाद जितना ये साफ़ सफाई का काम है, ये तो कल करेंगे दोस्तों, तो आज नहीं करेंगे।
और एक बार के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि गेस्ट, जैसे कल यस्टरडे आता है गेस्ट, तो आज जाने वाला होता है, तो जैसे आज जाने वाला होता है तुरंत फिर दूसरा गेस्ट आने वाला होता है फिर आज ही का दिन। तो ये टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा काम भी होता है, तो दोस्त लोग आज तो टाइम हम लोग पास बहुत है, अभी वो लोग चला गया तो अभी हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालेंगे, तो आज हम लोग को अंदर साफ करने का ज़रूरत नहीं है, कल करेंगे। तो कल तो बहुत काम है दोस्त लोग, पूरा पूरा साफ करना है एरिया पूरा, ये ऊपर का नीचे का। तो चलिए दोस्तों, तो अभी वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, तो अभी हम लोग का नाश्ता भी अभी हुआ है, अभी खाना का तो पता नहीं, अभी टाइम भी 12:30 हो गया है, 1 बजने वाला है, तो अभी खाना क्या बनेगा वो मालूम नहीं है दोस्त लोग। तो चलिए दोस्तों, तो आगे का वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाते जाऊंगा। Next! अभी ये सबको घर में डालना है, ये 5 बजे हम लोग करेक्ट इसको इसके घर में डाल देता है। खोर 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 छोड़ो 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 खोर 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 छोड़ो हट हट छोड़ो हट खोर 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 और शुरू भी यही बकरी से होता है मेरा स्टार्ट, तो ख़त्म भी मेरा बकरी से होता है, लास्ट मेरा बकरी डालने एक बार पूरा, उसके बाद मेरा फ्री टाइम होता है, उसके बाद हम लोगों का भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो अभी और 2 बकरी है, वो बहुत माँ और बेटी है, तो वो तो बीमारी है, बहुत पहले से बीमारी है, वो नारियल नहीं आ रहा सिटी पर, तो एक तो मर गया दोस्त लोग, तो अभी एक बचा हुआ है, लड़की है, माँ बेटी है, तो वो बहुत पहले बीमार होकर मरने वाला था, वो डॉक्टर दिखाने के लिए लेके गया, उसके बाद ठीक हो गया, मतलब पूरा मतलब उसका दर्द होना पेट का ये सब तो ठीक हो गया, मगर अभी तक उसका जो दिमाग की हालत वो बहुत कमज़ोर है। अभी उसको घर पे डालते समय भी वो थोड़ा हाइट हुआ तो अंदर नहीं जा पाता है, और सुबह में छोड़ देता हूँ 7 बजे 7:30 को, तो रोड में बैठा रहता है 1-2 घंटे तक, उसका बच्चा भी उसके साथ ही होता है। फिर एक बार उसको भगा के अगर जंगल में डाल दिया तो खाते रहता है जंगल में खाते रहता है। उसके बाद उसको दूसरा ये जितना भी अभी मैंने डाला यहाँ पर बकरी के साथ, उसको मतलब ही नहीं है बकरी के साथ, वो अकेला घूमता है, अभी कहाँ है मालूम नहीं, वो और उसका बेटी शायद इधर ही होगा, रोड के आसपास होगा, तो अभी जाएंगे उसको देखने के लिए। तो ये दो, तो अभी हम लोगों ने ढूंढ के ले गया है इसको, ये जब तक हम लोग लेने नहीं जाएगा तब तक ये वो आगे जंगल में था, वो आगे रोड का उस साइड लास्ट में, तो उधर ही खाता रहता है रात होने से भी। तो अभी थोड़ा चारा दिया है, घास दिया है। तो दोस्त लोग, आज का वीडियो इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग साथ मिलेंगे।